वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज। फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज मतलब वो मैथमेटिकल रिलेशंस जो कैलकुलेशन में हमारी सहायता करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसानी से कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को 12 प्रॉपर्टीज मेंशनड हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, यानी कि सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो उस केस में अगर हम एक ऐसे सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करें जो इनके कॉम्बिनेशन से बना है, उस केस में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स को उसी तरीके से कंबाइन करते हैं जिस तरीके से हमने सिग्नल को कंबाइन किया है कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाने के लिए। यानी अगर हमारे पास एक सिग्नल है F1T जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है F1 ओमेगा, दूसरा सिग्नल है F2T जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है F2 ओमेगा, तो अगर हमारा सिग्नल बन रहा है A1 F1T प्लस A2 F2T से, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा A1 F1 ओमेगा प्लस A2 F2 ओमेगा के बराबर, जहां पर A1 A2 कोई कांस्टेंट है। तो ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी जिसका हम प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के आसानी से एनालिसिस करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की है टाइम स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है कांस्टेंट से बढ़ाना या घटाना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना या उसे डिवाइड करना। जब टाइम स्केलिंग करते हैं तो हम अपने वेरिएबल यानी कि टाइम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम स्केलिंग अगर हम अपने सिग्नल की करें तो उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा, यही एनालिसिस करती है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, जिसके अनुसार अगर FT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है F ओमेगा, अब अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को स्केल करें B से, जहां पर B कोई कांस्टेंट है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/mod of B F ओमेगा/B। अब अगर B 1 से बड़ा है तो टाइम डोमेन में होगा कंप्रेशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा एक्सपेंशन। अगर B 1 से छोटा है तो इसी की उल्टी प्रोसेस होगी। यानी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम टाइम डोमेन में अपने सिग्नल को कंप्रेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में एक्सपेंशन हो जाता है, अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को एक्सपेंड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में कंप्रेशन हो जाता है। तो टाइम स्केल करें अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल भी स्केल हो जाता है फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप के साथ। यानी यहाँ पर हम BT रखते हैं तो यहाँ पर ओमेगा/B हो जाता है। तो ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अगली प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करें तो हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में क्या असर पड़ेगा। इसके स्टेटमेंट के अनुसार
अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, अब अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करते हैं किसी कांस्टेंट बी से, तो उस केस में हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल हो जाएगा एफ टी माइनस बी। हमने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को टाइम में शिफ्ट किया, तो उस केस में फूरियर ट्रांसफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा? उस केस में फूरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा बी का। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसके एम्पलीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका फेज बदल जाएगा माइनस जे ओमेगा बी से। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका फेज बदलेगा। यानी एफ टी माइनस बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा बी, जहां पर बी कोई कांस्टेंट है। अब इसी का ड्यूअल है जो प्रॉपर्टी, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग का ही ड्यूअल है। ड्यूअल है मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये एनालिसिस करती है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करें तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा। तो स्टेटमेंट है इसका, अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा और इस फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को हम शिफ्ट करें किसी कांस्टेंट ओमेगा नॉट से, तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का। मतलब टाइम डोमेन में हम जब शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सपोनेंशियल से। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सपोनेंशियल से। तो एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है तो एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी एफ टी। इस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में जब हम सिग्नल का मॉड्यूलेशन एस्टिमेट करते हैं उस केस में इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। अब अगली प्रॉपर्टी है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करें तो उस केस में हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के अनुसार अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा और हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कैलकुलेट करें डी बाय डी टी ऑफ एफ टी, तो उस केस में उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जे ओमेगा का। यानी डी बाय डी टी ऑफ एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जे ओमेगा एफ ओमेगा। इस कंसेप्ट को हम nth पावर या kth पावर तक भी लेकर जा सकते हैं। यानी अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को
के टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जे ओमेगा की पावर के से। तो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर टाइम डोमेन वाले सिग्नल को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में जे ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। टाइम डोमेन वाले सिग्नल को हम जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतने ही बार जे ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन होगा एफ ओमेगा पर। अब टाइम डिफरेंशिएशन का ही ड्यूअल चलता है अगली प्रॉपर्टी में, जो कि है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यानी कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो उस केस में उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले काउंटर पार्ट यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा, यही सॉल्व करती है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, जिसका स्टेटमेंट है अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा और हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल इंटीग्रेट हो, यानी हमें करना हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को हमें डिवाइड करना होता है जे ओमेगा से। यानी टाइम डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल मॉडिफाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है जे ओमेगा से। ये है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। इसमें हम जितनी बार अपने सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में उतनी ही बार एफ ओमेगा को हम डिवाइड करेंगे जे ओमेगा से। तो ये है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन यानी अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करें तो उस केस में टाइम डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा, यानी अब हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर एफ टी का हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है एफ टी, अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा और हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करें ओमेगा के रेफरेंस पर, ओमेगा पर, तो उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस ऑफ जे टी इंटू एफ टी। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन देता है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ ओमेगा को एक बार ओमेगा से डिफरेंशिएट किया है तो उस केस में टाइम डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है माइनस ऑफ जे टी का। इस आइडिया को हम kth पावर तक लेकर के जा सकते हैं, यानी अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को k बार डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल माइनस जे टी से उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है तो माइनस जे टी एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डी बाय डी ओमेगा ऑफ एफ ओमेगा। ये होती है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अगली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पर इनवर्स कैलकुलेशंस में, वो प्रॉपर्टी है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ड्यूअल हैं, एक दूसरे के ड्यूअल हैं, यानी अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में लेकर चले जाएं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल टाइम में आ जाता है और यही कंसेप्ट देती है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी के अनुसार अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है
जी ओमेगा, यहाँ पर अलग नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि अब हम पूरे फंक्शन को रेफर कर रहे हैं। तो अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जी ओमेगा, इस केस में अगर इसको यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को हम टाइम में लेकर आए, यानी उसको जहां पर ओमेगा लिखा हुआ है वहां पर टी रखें, ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल है टाइम में आ जाए, तो उस केस में टाइम डोमेन वाला सिग्नल चला जाता है फ्रीक्वेंसी में विथ फोल्डिंग, मतलब प्लस की जगह माइनस साइन लगता है, और ये टाइम वाला चला गया फ्रीक्वेंसी में और मल्टीप्लाई हो गया 2π से, तो हमें फिर से फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मिल गया। यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर का कंसेप्ट होता है, मतलब एफ टी और जी ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हैं। पेयर हैं मतलब एक टाइम में है और दूसरा फ्रीक्वेंसी में है, तो ये एफ टी और जी ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हैं। तो जब हम सिग्नल्स का डोमेन इंटरचेंज कर देंगे, ड्यूअलिटी लगा देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो भी आपस में फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ही होगा। तो ड्यूअलिटी कहती है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले को लेकर चले जाएं टाइम में, तो टाइम वाला चला जाता है फ्रीक्वेंसी में विथ नेगेटिव स्केल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2π, हमें मिल जाता है फिर से वही फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, तो गेट सिग्नल के बदले हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलती है सैम्पलिंग सिग्नल विथ सम कॉन्स्टेंट्स ऑफ कोर्स। तो गेट सिग्नल के बदले हमें सैम्पलिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलता है। अब अगर हम सैम्पलिंग सिग्नल ले टाइम डोमेन में, तो ये गेट सिग्नल चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में और इसे मल्टीप्लाई करें 2π से, तो ये दे देगा सैम्पलिंग सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको जनरली हम यूज ऐसे सिग्नल्स के लिए करते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स हों या हमें इनवर्स कैलकुलेशन करना हो। तो ये है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर्टी हमारी मदद करती है एरिया कैलकुलेशन में। अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो एरिया कितना होगा, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर्टी से, जो हमसे कहती है कि अगर हमें एफ टी का एरिया कैलकुलेट करना है, एफ टी का एरिया मतलब जो हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल है उसका एरिया कैलकुलेट करना है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई इनवर्स कैलकुलेशन या फॉरवर्ड कैलकुलेशन हमको करना पड़े, हमें दिया गया है एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, हमें कैलकुलेट करना है इसका एरिया। तो इसके एरिया को कैलकुलेट करना यानी इसे इंटीग्रेट करना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और ये एरिया कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एफ ओमेगा में ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 रख के, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करके 1/2π का। तो एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर्टी कहती है कि टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। वाइस वर्सा भी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें टाइम डोमेन वाले सिग्नल में 0 रखना पड़ता है। तो एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर्टी का यूज करके हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एरिया या फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का एरिया एस्टिमेट कर सकते हैं बिना कोई इंटीग्रेशन किए, सिर्फ इसके ट्रांसफॉर्म या इनवर्स ट्रांसफॉर्म में ओमेगा या टी को 0 रख करके, और ये सारे कैलकुलेशन सीधे फॉर्मूले से ही हो जाते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व हमें ऑप्शन देता है कि हम बिना इंटीग्रेशन के अपने सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करें। अगली प्रॉपर्टी है टाइम कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी।
टाइम कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी हमको बताती है कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स को कन्वॉल्व करेंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल्स पर क्या असर पड़ेगा। यानी टाइम डोमेन का कन्वल्यूशन हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या देगा। टाइम कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं f1t और f2t, जहां पर f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है f1 ओमेगा और f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है f2 ओमेगा। अब अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स को कन्वॉल्व करें तो उस केस में टाइम कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी के अनुसार फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी टाइम डोमेन का कन्वल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये है टाइम कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी। इसी का ड्यूअल होती है फ्रीक्वेंसी कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल्स को कन्वॉल्व करते हैं, इसी का ड्यूअल स्टेटमेंट हमें मिलेगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल्स को कन्वॉल्व करें तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और साथ ही रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2π से। तो टाइम कन्वल्यूशन और फ्रीक्वेंसी कन्वल्यूशन एक दूसरे का ड्यूअल है। कंबाइंड स्टेटमेंट अगर हम लें तो अगर f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f1 ओमेगा है, f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f2 ओमेगा है, तो टाइम डोमेन में कन्वल्यूशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन होगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वल्यूशन करेंगे तो टाइम में मल्टीप्लिकेशन होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि टाइम में मल्टीप्लिकेशन के साथ ही ये सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाता है 2π से। तो ये है फ्रीक्वेंसी कन्वल्यूशन प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, जो कि है लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो है कंजुगेट प्रॉपर्टी। कंजुगेट प्रॉपर्टी एनालिसिस करवाती है कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स का। कॉम्प्लेक्स सिग्नल अगर हमारा टाइम डोमेन वाला है, यानी टाइम डोमेन में अगर हमारा सिग्नल है f(t) और ये एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है यानी a+jb के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा है तो ये f ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा। तो टाइम डोमेन का कॉम्प्लेक्स सिग्नल मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन का कॉम्प्लेक्स सिग्नल आपको मिलेगा। अब अगर f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म है f ओमेगा, इस केस में हम f(t) के कॉन्जुगेट का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कन्वेंशनल मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, जो हमसे कहती है कि कॉन्जुगेट ऑफ f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा कॉन्जुगेट ऑफ f ऑफ माइनस ओमेगा। यानी f ओमेगा का आप कॉन्जुगेट लीजिए, वहाँ पे प्लस की जगह माइनस ओमेगा रखिए, तो जो आपको मिलेगा वही कॉन्जुगेट ऑफ f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी के अनुसार f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा है तो कॉन्जुगेट ऑफ f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ f ऑफ माइनस ओमेगा। कॉन्जुगेट मतलब a+jb का कॉन्जुगेट होता है a-jb, यहाँ प्लस की जगह माइनस रखना होता है। तो अगर टाइम वाले को कॉन्जुगेट लें तो फ्रीक्वेंसी वाला भी कॉन्जुगेट हो जाएगा विथ ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ओमेगा। तो ये है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो 12 प्रॉपर्टीज हैं,
लीनियरिटी, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग जिसका ड्यूअल है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, ड्यूअलिटी जो टाइम और फ्रीक्वेंसी को इंटरचेंज कराती है, टाइम या फ्रीक्वेंसी यानी एफ टी या एफ ओमेगा का कर्व का एरिया एस्टिमेशन, टाइम और फ्रीक्वेंसी का कन्वल्यूजन और कॉम्प्लेक्स सिग्नल का एनालिसिस। ये 12 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में।